मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में टीचर ने एक छात्र को उसके साथियों से पिटवा दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 5 का पहाड़ा नहीं सुनाया। इस पर टीचर भड़क गई और फिर बारी बारी से क्लास के बच्चों को बुलाकर छात्र को पिटवाया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है कि 7 साल का छात्र UKG में पढ़ता है, वह टीचर के बगल में खड़ा है। वह रो रहा है जबकि क्लास के दूसरे बच्चे बैठे हैं। टीचर अपने सामने बैठे एक शख्स से कह रही है कि उन्होंने बच्चे को 5 का टेबल तक याद करा दिया था, मगर वह भूल गया। इसी दौरान वह थप्पड़ मारने वाले बच्चों को जोर से मारने के लिए कहती है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने घटना पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। शिक्षा वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तिगत ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीद कहीं अधिक है, देश के भविष्य का सवाल है। वहीं इस वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा कि मुजफ्फरनगर के एक वायरल वीडियो में एक टीचर एक अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही है। इसमें वो दोहरे अपराध की दोषी है क्योंकि वो पिटवा भी रही है और दूसरे बच्चों को हिंसक भी बना रही है। भाजपा सरकार ये वीडियो G20 की मीटिंग में दिखाकर साबित करे कि उसका नफरती एजेंडा किस प्रकार से सही है। ऐसी टीचर शिक्षक समाज पर धब्बा है। पूरे देश के शिक्षकों को उस टीचर को दंडित करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने लिखा कि मासूम बच्चे के मन में भेदभाव का जहर घोलना स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना है। एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। इस घटना को लेकर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने अभी खब्बापुर गांव के इरशाद जी से बात की है, बहुत साहसी हैं, उन्हें विश्वास है कि उनके साथ न्याय होगा। मैंने अपनी तरफ से उन्हें कहा है कि इस दुखद वारदात को वो भूल जाएं क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।